वेलकम बैक सर, कैसे हैं आप? काफी स्वैग है आपके। थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ऐसे लोग आ जाते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है ना, थोड़ा ज्यादा कार्ड ऐसे सो रहे हाथ में। सही बात। अच्छा, ये मेरे स्मार्ट कार्ड्स हैं, ये ब्रेन बूस्टर्स हैं। अगर आप किसी भी सवाल का गलत, मतलब किसी भी रिडल का गलत जवाब देंगे तो आपको एक ब्रेन बूस्टर पीना पड़ेगा जो कि आपके ब्रेन को बूस्ट करेगा और नेक्स्ट टाइम आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। और हम खेल रहे हैं इस बास्केट के लिए और मेरे प्यार में, जैसा भी आप लोग बेहतर समझे। डेफिनेटली फॉर द बास्केट। नहीं, वो मैंने कहा भी शरबत के लिए। ठीक है, अच्छा ये मैं इनको यहाँ पे लगा देता हूँ। आपने शरबत के लिए एक टच करके निकालना है, ये वाला। और शरबत आपने वसीम भाई के लिए, ये हो गया। सर आप शुरू करते हैं। एक सर्कल में कितनी साइड्स होती हैं? दो साइड्स होती है। कौन सी वाला? ये पेपर नहीं, अब क्या मतलब चल जबरेगा पेपर? यही तो बतानी है ना, कौन सी दो साइड्स होती है? नहीं, दैट आई डोंट नो, आई हैव नो आईडिया सर। इनसाइड और आउटसाइड? दो साइड। ओके ओके, एक पीना पड़ेगा आपको। ओके, मतलब कि मैंने बता भी दिया। ओके, तो इस तरह का है सर। ओके, कुछ बूस्ट हुआ सर? या थोड़ा सा। अच्छा सरवत जी, हाउ मेनी बर्थडेज डज एन एवरेज पर्सन हैव? As many as the non-average have. Yes? आप एक पी लें ताकि मैं आपको सही जवाब दे सकूं। क्या है? Just one. एक. All the rest are the anniversaries. क्या मतलब इस बात का? बर्थडे तो एक ही होता है ना भाई, उसके बाद तो उसकी एनिवर्सरी होती है ना। आपने साल में एक, साल में तो मैंने कहा ही नहीं, कहीं कहीं साल का जिक्र ही नहीं था। स्कोर स्कोर अभी तक बराबर है और बास्केट यहीं की यही है, आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए सर, आप एक निकालेंगे, ये वाला, ये वाला। और आप? हाँ। चलिए सर ये बताइए, वो कौन सा ऐसा पाकिस्तानी बैट्समैन है जिसने जब पहली दफा बॉलिंग कराई तो विकेट ले ली पहली बॉल पे? हाँ जी। कौन सा बैट्समैन है जिसने अपने करियर की पहली गेंद कराई, विकेट ले ली? हाँ जी, टेस्ट विकेट। ये तुझे भी नहीं पता यार, ये तो बहुत डिटेल पूछ रहे हैं। तो और क्या तुम थ्री फॉर्मेट्स, चलो टू फॉर्मेट्स भाई। भाई हिंट आपको ये है कि आपके दौर में खेले हो, बहुत ज्यादा खेले। हिंट बड़े अच्छे, 21 साल के दौर में। बाद में वो कप्तान भी बने हैं, बाद में वो कप्तान भी बने बाद में। इंजमाम की बात तो नहीं कर रहे हैं? इंजमाम। यस, जवाब दुरुस्त हो गया है। मुझे भी इतनी सारी हिंट्स दीजिएगा आप। अच्छा, देयर आर 6 मैंगोज इन द बास्केट and 6 kids eagerly waiting to get one. Each kid is given one mango, yet there is one mango in the basket. How? एक बच्चे ने नहीं खाया यार। Exactly right. एक बच्चे ने नहीं खाया। मुझे तबीयत ठीक नहीं थी। एक मेरे ख्याल में आप पी रहे तो फिर मैं आपको बताता हूँ। क्या हो रहा है ये? ये मैं आपको। एक mango फ्रिज में रह गया। फ्रिज में कितने? ये गलत टिप दी थी मुझे किसी ने। गलत टिप मिली आपको। आप सही कह रहे थे। भाई देखें, एक बास्केट में 6 मैंगोस थे, 6 बच्चे वहां खड़े थे, इनको मिले थे, सबको एक मिला, आखिरी बच्चा वो बास्केट के नाली मैंगो चौक के लाया गया। बास्केट में मैंगो था, समझ गया। चलिए, आम कौन छोड़ता है? चलिए हो गया, आप बता दीजिए। बहुत ही मुश्किल वाला मैं अब वसीम के लिए। वो कौन सी चीज है जो हम कभी कभी कभार खाते हैं लेकिन फिर भी हम में से किसी को भी उसका जायका नहीं पता? I don't know, probably करेले। मैं दूं इसका जवाब? सोचते आराम आसान। मेरे शरीर को करेले खाए एक दफा। ओह नो, उसने अच्छे पकाए थे, करेले का टेस्ट बड़ा डिफरेंट होता है, इफ यू हैवंट हैड देम बिफोर। बड़ा मुश्किल उसने दिखाई करती है। What's this? Because obviously you don't like it. Then they just leave it. मुझे पता है इसका जवाब। बहुत जवाब है इसके, कुछ भी सही हो सकता है, ये तो कह रहा हूँ। I have no idea. मैं बताऊँ? Going for it. अरे यार चलें भैया। हाँ। फिर आप बताइए। डांट। डांट कसम मार। सब हम खाते जरूर हैं लेकिन हमें उसका जायका नहीं पता कभी भी। तो Very shifty. सोने की वो कौन सी चीज है जो सुनार नहीं बेचता? नींद। नींद सोने की चीज नहीं है? सोने की। अच्छा नहीं, मैंने कहा थोड़ा ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट तो है लेकिन आपने ज्यादा ट्विस्ट डाल दिया। सोने की वो कौन सी चीज है जो सुनार नहीं बेचता? दांत। सोने का दांत सुनार नहीं बेचता, डेंटिस्ट बेचता है। ये गुड।
वैसे तकिया भी हो सकता था तकिया सोने की नींद भी हो सकता है। नींद सोने की चीज नहीं है ना भाई। अच्छा नींद तो मतलब नींद है। मेरा सवाल सही हुआ है ना? हाँ हाँ सही हुआ है, बिल्कुल सही। थैंक यू। इस वक्त वसीम अकरम हार रहे हैं और सरवत गिलानी जीत रही हैं। बताइए जी इनके लिए ये वाला, और आप बताइए इनके लिए ये वाला हो गया। चलिए जी, चलिए जी। द पीकॉक इज अ बर्ड दैट डज नॉट ले एग्स, हाउ डू दे गेट बेबी पीकॉक्स? But they do lay eggs from their eggs. नहीं समझ आ रही मुझे। तो सवाल नहीं जवाब है बता। The peacock. It's not me. I'll drink. क्योंकि males जो हैं वो ले। Because the peahen lays eggs. हाँ, का जो peacock जो है वो हाँ, वो male होता है ना? Say peacock as a peacock. हाँ। चलती गाड़ी में वो कौन सा टायर है जो नहीं घूमता? ये तो मुझे भी पता है यार। चलती गाड़ी में कौन सा टायर है जो नहीं घूमता? चारों घूमते हैं। स्पेयर व्हील। ये तो बहुत बड़ा तुमने पूछ लिया। वो क्या चीज है जो नाक नाक के शुरू में और कान के एंड में? ओ नाक के शुरू में कान के एंड में। सर नून। पॉइंट वसीम भाई को क्यों जाएगा? नहीं मिला। नहीं जाएगा। आपने क्यों बताया वैसे? और तो मुझे लग गया था पता। हाँ नाम के लिए। नहीं प्लीज प्लीज आप भेजिए। पॉइंट वसीम भाई को नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। ये यासिर ही लेके जाएंगे अपनी बात। नहीं ये ले जाओ ले जाओ। मेरे ख्याल में हम फाइनल क्वेश्चन करके खत्म करते हैं। ओके यासिर। टाई ब्रेकर। वो क्या चीज है जो जब भी बारिश होती है तो बाहर आ जाती है? पतंगे। चूहे। मच्छर। वो क्या चीज है जो जब भी बारिश हो तो वो आपके ऊपर आ जाती है? पानी। पानी। वसीमा ने पहले जवाब दिया, अगर पानी सही जवाब है तो कुछ नहीं पता। नहीं नहीं राजे, छतरी जवाब था। छतरी हमारे निकल आती है, ऊपर आ जाती है। हमारे वहाँ तो लोग निकलते हैं बाहर। ठीक है तो पानी पे ठीक जवाब है। हाँ। तो फिर वसीम भाई जी तो मैंने ये हाँ, तो ये वसीम भाई आप मेरी तरफ से मैं आपको दे रहा हूँ। वसीम भाई की तरफ से ये सर्वत गिलानी को दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच। लाइक अ ट्रू स्पोर्ट्समैन और दे दिया ये गिफ्ट सर्वत गिलानी को। लेकिन पतंगे भी सही जवाब है। जब बारिश आती सबसे पहले बारिश में पतंगे मच्छर। मुझे जीरो करना मकसद है बस उनका। पतंगे और चूहे निकलते हैं, छतरी और पानी किसी को समझ नहीं आ रही। तो कोई कोई स्पीच देना चाहेंगे आप कि जीत के हारने वाले को, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं टाइप कुछ? नहीं जी जी, देखिए जो जीतता है उसको भी हार पहनाया जाता है। कितनी सही बात है ना? काफी डीप बात कर दी आपने इससे पहले कि हम इस बात में डूबे। हम चल के बैठते हैं और आगे चलते हैं।